मैं पलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं थोक व्यापार एवं फुटकर व्यापार में अंतर पर। ठीक है फ्रेंड, कि थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी दोनों व्यापार करते हैं, दोनों वस्तुओं को खरीदते हैं, बेचते हैं और अपना मुनाफा कमाते हैं, तो क्यों इन दोनों के नाम अलग अलग है जबकि काम इन दोनों का एक ही है, वस्तु को खरीदना और बेचना एक ही काम है, तो नाम अलग अलग क्यों है, इसे जानने के लिए हम देखते हैं इस वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम थोक व्यापार का अर्थ जानेंगे, फिर फुटकर व्यापार का अर्थ जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां मैं बताऊं आपको इन दोनों को थोक व्यापार फुटकर व्यापार कहने का मतलब क्या है। तो थोक व्यापार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्राहकों को वस्तुओं को नहीं बेचता और ना ही ये गलियों में घूमता है। कौन? थोक व्यापारी। मतलब थोक व्यापार के अंदर वस्तुओं को खरीद कर रखा जाता है और उन फुटकर व्यापारियों को बेचा जाता है जो गलियों में जाकर वस्तुओं को बेचते हैं। तो इस अंतर के कारण इनके नाम अलग अलग है। एक थोक व्यापारी जो ग्राहकों के पास नहीं जाता, ठीक है, ग्राहक उसके पास आ सकते हैं पर वो ग्राहक के पास नहीं जाता, ठीक है, और ना ही वो गलियों में घूम के अपनी वस्तुओं को बेचता है। वो क्या करता है, केवल उत्पादक से उत्पादित वस्तुओं को खरीदता है। कैसी मात्रा में? बड़ी मात्रा में। और फुटकर व्यापारी, वो व्यापारी जो गलियों में जाकर जो सीधे प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं ग्राहकों से, उन तक वस्तुओं को पहुंचाते हैं, उन व्यापारियों को थोक व्यापारी माल पहुंचाता है। तो आ गया समझ में, थोक व्यापारी जो उत्पादक से माल खरीदता है किंतु यह ग्राहकों को नहीं बेचता है, ठीक है, ये माल तो बेचता है लेकिन किसको बेचता है? फुटकर व्यापारी को। और बहुत कम स्थिति में ग्राहक तक इसकी पहुंच होती है या ग्राहक इसके पास आता है, जबकि फुटकर व्यापारी ऐसा व्यापारी होता है जो थोक व्यापारी से माल खरीदता है छोटी छोटी मात्रा में और उसको ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार उनके घर तक पहुंचाने का काम करता है। साथ ही ऐसा नहीं है कि फुटकर व्यापारी केवल गलियों में ही घूमते हैं, ये छोटी दुकानों के माध्यम से भी अपनी वस्तुओं को बेचते हैं या बड़ी दुकानों के माध्यम से भी वस्तुओं को बेचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? तो अब देखते हैं इनके बीच अंतर। तो देखो, फर्स्ट अंतर यहां पे लिखा है क्रय विक्रय को लेकर। क्रय मतलब वस्तु को खरीदना और विक्रय मतलब वस्तु को बेचना। तो अब हम देखेंगे इस अंतर में थोक व्यापारी किससे वस्तु को खरीदता है और किसको बेचता है, फुटकर व्यापारी किससे वस्तु खरीदता है और किससे बेचता है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद को ही ये याद है, ठीक है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो लिखा है यहाँ फ्रेंड्स कि थोक व्यापारी उत्पादक से माल क्रय करके फुटकर व्यापार को विक्रय करते हैं। थोक व्यापारी ने क्या किया? उत्पादक जो वस्तु को बनाता है उससे माल खरीदा और फुटकर व्यापारी को बेच दिया, और फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से माल क्रय करके उपभोक्ता को विक्रय करते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया, थोक व्यापारी किससे जुड़ा हुआ है? उत्पादक से, और फुटकर व्यापारी को माल बेच रहा, मतलब दोनों के बीच एक कड़ी का काम कर रहा है। और फुटकर व्यापारी क्या कर रहा है? थोक व्यापारी से माल खरीद रहा है और ग्राहक को बेच रहा है। तो कुल मिला के फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे ये जो एक उत्पादक है वस्तु को बनाने वाला, और यहाँ पर एक व्यक्ति है मतलब कि उपभोक्ता, वस्तु का उपभोग करने वाला, तो इस उत्पादक से इस वस्तु का उपभोग करने वाला जो उपभोक्ता है इस तक सीधे वस्तु नहीं आती, इन दोनों के बीच दो और व्यक्ति हैं जिन्हें हम कहते हैं थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोक व्यापारी इससे वस्तु खरीदेगा, फिर इसको देगा और फिर ये उपभोक्ता को देगा। आ गया समझ में? अब दूसरा अंतर देखते हैं। दूसरा अंतर है इसमें मात्रा को लेकर, मतलब क्वांटिटी, कौन कितनी मात्रा खरीदता है और कौन कितनी मात्रा नहीं खरीदता। तो इसमें क्रय विक्रय दोनों की मात्रा अधिक रहती है। थोक व्यापारी क्या करता है? बड़ी मात्रा में वस्तु को उत्पादक से खरीदता है, ठीक है, और फिर ग्राहक उसको, फुटकर व्यापारियों को उसकी आवश्यकता अनुसार वस्तु उपलब्ध कराता है। अब फुटकर व्यापारी भी तो बड़ी मात्रा में वस्तु लेता है, ठीक है, तो थोक व्यापारी की वस्तु को क्रय और विक्रय करने की मात्रा अधिक रहती है या ऊंची रहती है,
जबकि फुटकर व्यापार में क्या है, इसमें क्रय कम मात्रा में किया जाता है एवं विक्रय भी कम से कम मात्रा में किया जाता है। फुटकर व्यापारी क्या करता है, अपनी आवश्यकता अनुसार और साथ ही साथ ग्राहकों की रुचि के अनुसार, अपने काम के अनुसार, समय के अनुसार, अपने पास जो धन है उसके आधार पर थोक व्यापारी से माल खरीदता है और अपने समय को देखते हुए उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुंचाता है। तो यहाँ हम बोलेंगे कि फुटकर व्यापारी अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने समय, धन सभी को देखते हुए, ग्राहकों की रुचि को देखते हुए कम मात्रा में वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखो, पूंजी मतलब कि पैसा। इसमें अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल, क्योंकि बड़े पैमाने पर आप किसी वस्तु की मात्रा को खरीदते हो तो उसके लिए बड़ा पेमेंट भी तो देना होता है ना फ्रेंड्स। तो इसका ऑपोजिट फुटकर व्यापार का कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले पॉइंट में क्या पड़ा, फुटकर व्यापारी कम मात्रा में वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं, तो भाई उनको पैसा भी कम ही चाहिएगा। तो इसमें कम पूंजी से ही काम चल जाते हैं। अब तक के अपने ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, थोक व्यापारी किससे माल को खरीद रहा है, किसको बेच रहा है, फुटकर व्यापारी किससे खरीद रहा है, किसको बेच रहा है, फिर मात्रा, कौन कितनी मात्रा खरीद रहा है, और थर्ड है पूंजी, किसको कितना पैसा लगाना है बिजनेस में। तीनों क्लियर? तो अब अगले पॉइंट देखते हैं। अगले कुछ और पॉइंट्स है फ्रेंड्स इसमें, जैसे कि लाभ का प्रतिशत। लाभ का प्रतिशत मतलब किसको कितना बेनिफिट है। तो देखो, इनके लाभ का प्रतिशत कम रहता है, किसका, थोक व्यापारी का। क्यों कम रहता है, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में वस्तु को खरीदते हैं, हो सकता है जितनी मात्रा में खरीदे उतनी मात्रा में बिक ना पाए, तो ऐसी अनेक कंडीशन होती है इनकी जिनमें ये पूंजी तो बड़ी मात्रा में लगा लेते हैं, माल भी बड़ी मात्रा में खरीद लेते हैं, लेकिन उन सबके अनुरूप इन्हें फायदा नहीं हो पाता। जबकि इनके लाभ का प्रतिशत व्ययों के कारण अधिक रहता है। फुटकर व्यापारी तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचते हैं, फिर माल खत्म होता, फिर खरीदते हैं, फिर बेचते, तो इनका इक्वली सारा बैलेंस बना रहता है। ठीक, अगला देखो, पुनः विक्रय। थोक व्यापारी द्वारा बिक्री किए गए माल का पुनः विक्रय होता है। पुनः विक्रय का मतलब होता है फिर से माल को बेचो। ठीक है, पहले तो उत्पादक ने थोक व्यापारी को माल बेचा, और बेचा हुआ माल थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी के पास जा रहा है, तो फुटकर व्यापारी के पास जा रहा है मतलब फुटकर व्यापारी को भी तो बेचा है, इसलिए बोला गया कि थोक व्यापार के अंदर माल का पुनः विक्रय होता है। ठीक है, और इसमें फुटकर व्यापारी के द्वारा बिक्री किया गया माल उपयोग में आता है। ठीक है, हालांकि फुटकर व्यापारी भी किससे, थोक व्यापारी से माल को खरीद के पुनः बिक्री करता है, लेकिन अंतिम रूप से फिर उस माल का उपभोग हो जाता है। तो इस बारीकी को समझो, इस अंतर को जानो। ठीक है, कंफ्यूज ना होना कि पुनः बिक्री तो फुटकर व्यापारी भी कर रहा है, थोक व्यापारी भी कर रहा, दोनों कर रहे हैं, लेकिन थोक व्यापारी क्या कर रहा है, वस्तु को खरीद रहा है और फिर वापस उसकी बिक्री कर रहा है, और फुटकर व्यापारी भी खरीद रहा है, पुनः बिक्री कर रहा है, लेकिन अब फुटकर व्यापारी के बाद कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बचा, वस्तु अंतिम उपभोक्ता के पास चली जाती है। ठीक, अगला, ग्राहक संख्या। ये सिर्फ व्यापारियों को ही माल का विक्रय करते हैं, अतः इनके ग्राहकों की संख्या कम रहती है। जो थोक व्यापारी है उनका ग्राहकों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, बहुत कम स्थिति में ग्राहक और थोक व्यापारियों के संपर्क रहते हैं। तो सिंपल सा मीनिंग है, थोक व्यापारी जो होते हैं वो बड़े बड़े व्यापारियों या छोटे बड़े सभी प्रकार के व्यापारियों के संपर्क में रहते हैं, इस कारण इनके ग्राहकों की संख्या कम होती है। जबकि फुटकर व्यापार में देखो, ये स्वतंत्र एवं थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तु का विक्रय करते हैं, अतः इनके ग्राहकों की संख्या अधिक रहती है, क्योंकि ये एक जगह नहीं जाते, ये 10 जगह जाकर अपनी वस्तु को बेचते हैं और 10 लोगों के संपर्क में आते हैं, इसलिए फुटकर व्यापारियों की संख्या कौन सी वाली, ग्राहकों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, अब अगला देखो, सजावट एवं फर्नीचर। अब वो जो ये व्यापारी है तो किसे अपनी शॉप को डेकोरेट करने की जरूरत है और किसे नहीं है, तो लिखा है इन्हें सजावट एवं फर्नीचर व्यय नहीं करना पड़ता। किन्हें नहीं करना पड़ता, थोक व्यापारियों को, क्योंकि इनकी कोई दुकान नहीं होती, माल को खरीदते हैं, गोदाम में रखते हो, बेचते, ये दुकान नहीं लगाते फुटकर व्यापारियों की तरह, ना ही गलियों में जाते हैं, ये तो केवल माल को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। जबकि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इन्हें सजावट एवं फर्नीचर पर व्यय करना पड़ता है। फुटकर व्यापारी केवल गलियों में नहीं घूमते फ्रेंड्स, ये दुकानें भी लगाते हैं। इस बात को लेकर
यहाँ बताया गया है कि इन्हें फर्नीचर व सजावट व्यय करने होते हैं। फर्नीचर मतलब कि दुकान में अपन देखते ही है ना, वही सब बातें जिस जहाँ जिन ब्लॉक में वस्तुओं को रखी जाती है, सब लकड़ी के फर्नीचर बनाते हैं वो, ठीक। एंड लास्ट पॉइंट है इसका, संबंध एवं निकटता। इन्हें निर्माताओं से संबंध एवं निकटता होती है। थोक व्यापारी निर्माता बोलो, या उत्पादक, उत्पादक वस्तु को बनाने वाला, निर्माता वस्तु का निर्माण करने वाला, तो इनका निर्माताओं से संबंध होता है और उनके निकटतम रहते हैं, जबकि फुटकर व्यापारी का ग्राहकों से संबंध और निकटता होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों डिफरेंस किस किस के, थोक व्यापारी के और फुटकर व्यापारी के, समझ में आए होंगे। और अगर नहीं आए हैं तो उसके लिए कोई बात नहीं, आपको जो भी संकोच है या जो भी कंफ्यूजन है उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।